एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल मैं हूँ अर्चना और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल पे फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो लेकर आई वैसे तो थंबनेल देखकर आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा आर डी ए वाई फेस पैक का वीडियो लेकर आई हूँ जो कि आपके स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है और शायद ही आप लोगों ने इससे पहले वो फेस पैक का अप्लाई किया होगा आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ये इस लिप्स को तो आप जानते हैं ये है मारी गोल्ड का लिप्स यानी कि गेंदे की फूल जो होते हैं ना उनकी पत्तियाँ हैं गेंदे के पौधे की पत्तियाँ जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है ये हमारे स्किन के लिए भी क्योंकि ये एक प्रकार का एंटीसेप्टिक है और इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा मनमोहक होती है तो इसका मैं आज आप लोगों को बेनिफिट्स बताने वाली हूँ और इसका फेस पैक कैसे बनाना है वो भी आप लोगों को बताऊँगी उसके लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और नए चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को फ्रेंड्स इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एंटी पाया जाता है साथ ही ये बहुत ही अच्छा एंटीसेप्टिक का भी काम करता है तो इसका मैं आज आप लोगों को यूज़ बताने वाली हूँ फ़ेस के लिए अगर आपको बहुत ही ज़्यादा पिंपल्स हो गए हैं फेस पे या फिर पिंपल्स के दाग धब्बे हो गए हैं तो आपको इसका पेस्ट बना के उसमें मुल्तानी मिट्टी मिलाकर लगाना है और उसमें कुछ इन्ग्रीडियंस जो आपको मिक्स करने हैं वो मैं आप लोगों को बताऊँगी साथ ही साथ अगर आपको डार्क स्पॉट्स हो गए हैं पिगमेंटेशन है या फिर बहुत ही ज़्यादा फेस जो है वो सन टैन की वजह से काला दिखने लगा है तो उन सब में फ़ायदेमंद होने वाला है इसका फ़ेस पैक वो सब मैं आप लोगों को बताऊँगी तो फ्रेंड्स ये है गेंदे के फूल का पौधा तो इसका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है हमारे स्किन के लिए वैसे तो आयुर्वेद में इसके बारे में बताया गया है लेकिन यूट्यूब पे आप पहली बार देख रहे हैं कि मैं इसका फ़ेस पैक बनाना बता रही हूँ और आप लोगों को इसके बेनिफिट्स बता रही हूँ तो बहुत ही ज़्यादा ये अच्छा है हमारे स्किन के लिए और इसका फेस पैक लगाने के बाद एकदम से आप चौक जाएगा कि आपके स्किन के प्रॉब्लम्स धीरे धीरे ख़त्म होने लगेंगे जैसे कि पिंपल्स के दाग धब्बे हैं या फिर पिंपल्स हैं छाइयाँ हैं और स्किन जो है बहुत ही ज़्यादा डल हो चुका है तो ये स्किन को इतना ज़्यादा ग्लोइंग बनाता है चमकदार बनाता है स्किन इतना ज़्यादा ग्लो करना लगता है निखार आ जाती है स्किन में वो तो आपको इसका फ़ेस पैक लगाने के बाद ख़ुद ही पता चलेगा फ्रेंड्स तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा इसका फ़ेस पैक तो चलिए देख लेते हैं कि इसको बनाना कैसे है इसका फेस पैक कैसे बनाना है और अपने फेस पे कैसे अप्लाई करना है चलिए देखते हैं तो फ्रेंड्स देख सकते हैं गेंदे के फूल का जो पौधा है उसमें से कुछ पत्तियां हमें तोड़ लेनी है और इसको अच्छे से धो लेना है धो लेने के बाद इसके जो पत्तियां हैं वो डंठल से अलग कर लेंगे और हमें पत्तियों को पीसना है आप चाहें तो सिलबट्टे पे पीस सकती हैं या फिर मिक्सी में भी पीस सकती हैं थोड़ा सा पानी डाल कर पीस लेने के बाद इस तरह से पेस्ट आपको मिल जाएगा उसके बाद चलिए बनाते हैं अभी फेस पैक तो उसके लिए सबसे पहले हम ले रहे हैं चार चम्मच के आसपास है मेरे पास ये जो पतिया हमने पीसा था उसका पेस्ट और इसमें हमें मिलाना है मुल्तानी मिट्टी का पाउडर मुल्तानी मिट्टी अच्छा होता है वाइली स्किन के लिए साथ ही साथ पिंपल्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है स्किन को ग्लोइंग बनाता है स्किन को टाइट रखता है और जवा दिखने में मदद करता है तो एक बड़ा चम्मच के आसपास ले रही हूँ मुल्तानी मिट्टी का पाउडर उसके बाद ऐड करूँगी इसमें चंदन पाउडर यानी कि सैंडल वुड पाउडर तो ये दोनों हमने लिया है अल्प गुडनेस का आप चाहे तो कोई भी ले सकते हैं कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं चंदन पाउडर लेंगे आधा चम्मच के आसपास ये हमारे स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है डार्क स्पॉट्स को ख़त्म करता है साथ ही साथ स्किन में जो पिगमेंटेशन है दाग धब्बे बिझाइया वो सबको दूर करता है उसके बाद हमने लिया है थोड़ा सा हल्दी पाउडर और आधा चम्मच के आसपास फ्रेश एलोवेरा जेल आपके पास नहीं है तो कोई भी एलोवेरा जेल ले सकती हैं और लास्ट में मैं ऐड करती हूँ इसमें रोज वाटर तो थोड़ा सा रोज़ वाटर इसमें मिलाना है स्मूथ सा अच्छा सा पेस्ट यानी कि एक अच्छा सा फेस पैक बन के रेडी हो जाएगा इस फेस पैक को आपको हफ्ते में तीन बार लगाना है और अपने स्किन पे लगा के कम से कम बीस तीस मिनट के लिए छोड़ना है उसके बाद नॉर्मल पानी से धोना है और काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट है इसके हंड्रेड परसेंट आप एकदम चौंकने वाले हैं इसको लगाने के बाद बाद अच्छे से इन सबको मिला लेना है मिक्स कर लेना है हमें और थोड़ी देर के लिए आप चाहे तो छोड़ सकते हैं और रेडी है ये हमारे फेस पे लगाने के लिए स्पेशल इफेक्टिव फेस पैक जो कि उसको लगाने से पहले आपको अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है उसके बाद इसको अप्लाई करना है अपने फेस पे इतना ज़्यादा खुशबूदार ये फ़ेस पैक था फ्रेंड्स क्या बताऊँ और एकदम लगाने के बाद मारी गोल्ड की खुशबू आ रही थी अच्छे से अपने पूरे फेस पे अप्लाई करना है आप चाहे तो मोटा लेयर लगाइए या फिर पतला लेयर लेकिन मोटा लेयर लगाने के बाद सूखने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है वही पतला लेयर अगर आप लगाती हैं तो पंद्रह बीस मिनट में ही सूख जाते हैं लेकिन मैं मोटा लेयर ही लगा रही थी तो ये लगाने के बाद कुछ देर तक फेस पे रहता है तो उतना ही ज़्यादा फ़ायदा भी देता है तो देख सकते हैं पूरे फेस पे हमने अप्लाई कर लिया हुआ है और उसके बाद आप चाहें तो खीरे का स्लाइस अपने आइज़ पे डाल सकते हैं उससे क्या होगा आपके आँखों का जो कालापन है वो निकल जाएगा डार्कनेस ख़त्म हो जाएगी डार्क सर्कल ये सब सर में काफ़ी फ़ायदा होता है तो 20 मिनट के लिए आपको रेस्ट करना है उसके बाद देख लीजिए 20 मिनट हो गया था ये पूरे अच्छे से नहीं सूख पाया था तो आप लोगों को दिखा रहे हैं कि उतने में ही कितना ज़्यादा फेस ग्लोइंग दिख रहा है और अगर आप पतला लेयर लगाती हैं तो इस तरह से पंद्रह मिनट में ही सूख जाता है और उसके बाद आपको धो लेना है नॉर्मल पानी से और उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा फ्रेंड्स वो आप खुद ही चौक जाएगा देखकर उतना तो मेरा कैमरा भी कैच नहीं कर पा रहा है क्योंकि मैं शाम को लगाई थी और उतनी लाइट अच्छी नहीं थी इस वजह से आप देख पा रहे होंगे कि फिर भी फेस बहुत ही ज़्यादा ग्लो कर रहा है उसके बाद टोनर के रूप में हमें लेना है रोज़ वाटर या आप चाहे तो कोई भी टोनर अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से अपने फेस पर और उसके बाद मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएँ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और आप भी ट्राई जरूर कीजिएगा ये फेस पैक और हमारे साथ शेयर कीजिएगा अपना एक्सपीरियंस हमें कमेंट करके तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो आई होप आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ साथ ही साथ अगर नया है चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज मिलते हमारे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय